मैं संजय कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन एबीएसटी, बीकॉम पार्ट फर्स्ट का जो पेपर सेकंड है स्टैटिक्स, बिजनेस स्टैटिक्स, उसका नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, क्लासिफिकेशन। इसे हिंदी में कहते हैं वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि आपने जो भी आंकड़े या समंक इकट्ठे किए हैं, उन एकत्रित समंकों को हम अलग-अलग वर्गों में विभाजित करते हैं। अपना उदाहरण चल रहा था 6 चैप्टर से कि मान लीजिए कि आप भारत की जनसंख्या को गिनना चाहते हैं, तो भारत की जो जनसंख्या है, आप भारत की जनसंख्या को गिनना चाहते हैं, तो आप भारतीय जनसंख्या को आप कैसे गिनेंगे? आपने कहा कि भारत में 135 करोड़ पॉपुलेशन है। अब 135 करोड़ पॉपुलेशन को अगर आपने काउंट किया है, तो उसके उद्देश्य भी आपने तय किए होंगे कि भाई जो पॉपुलेशन काउंट करनी है उसका उद्देश्य क्या है। जैसे आपने कहा कि भाई कुल संख्या गिनना हमारा उद्देश्य है, पहला। आपने कहा कि भाई इसमें मेल फीमेल की संख्या कितनी है, मतलब जो मेल और फीमेल का जो जेंडर रेशियो है वो भी आपको तय करना था। फिर वापस आपने ये तय किया कि हमारे यहाँ शिक्षित अशिक्षित कितने हैं। फिर आपने तय किया कि हमारे यहाँ स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स, मतलब स्मोकर कितने हैं, धूम्रपान करने वाले कितने हैं, धूम्रपान नहीं करने वाले कितने हैं। तो जब भी आप कोई आंकड़ा डेटा इकट्ठा करते हैं, तो उसमें आप एक नहीं, आप बहुत सारे जो व्यू हैं वो लेके चलते हैं। एक एग्जाम्पल आप और ले सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपको बांदीकुई में शैम्पू की फैक्ट्री खोलनी है, कि भाई बांदीकुई में हम शैम्पू बना के बेचेंगे। अब आप बांदीकुई क्षेत्र में अगर शैम्पू की फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? पहला काम आप ये करेंगे कि आप मार्केट एनालिसिस करेंगे कि वहाँ शैम्पू की डिमांड है या नहीं। दूसरा, वहाँ का वाटर लेवल कैसा है, कि वहां पर्याप्त पानी है या नहीं। क्योंकि वाटर लेवल अगर अच्छा होगा तभी आप फैक्ट्री लगा पाएंगे और तभी आप प्रोडक्शन कर पाएंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है प्रोडक्शन के लिए वो होता है पानी। पानी के बाद आप आएंगे वहां का एनवायरमेंट कैसा है, क्या वह लोग शैम्पू बनाना पसंद करते हैं, क्या वहां के एनवायरमेंट में जो पानी है या जो स्थितियां हैं उसमें शैम्पू का यूज उचित रहता है या फिर साबुन का, वहाँ का एजुकेशन लेवल कैसा है, वहाँ शिक्षितों की संख्या कितनी है। क्योंकि जहाँ शिक्षित ज़्यादा होते हैं वहीं शैम्पू या अन्य इस टाइप के प्रोडक्ट्स ज़्यादा बिकने की संभावनाएं रहती हैं। अगर ग्रामीण क्षेत्र है तो कम बिकेंगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि वहाँ पर क्या इंडस्ट्रियल एरिया है क्या, क्योंकि इंडस्ट्री खोलने से पहले या फैक्ट्री लगाने से पहले आपको ये भी देखना होता है कि वहाँ पर्याप्त रूप से बिजली या बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आप जुटा सकते हैं क्या। तो जब भी आप शैम्पू की फैक्ट्री खोलना चाहते हैं या कोई प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हैं वहाँ, तो एक नहीं बहुत सारे व्यूज और एस्पेक्ट्स को आप सोचते हैं, और उसके आधार पर जो सूचनाएं इकट्ठी होती हैं उन सूचनाओं का आप अलग अलग भागों में बांट लेते हैं। ये जो अलग अलग भागों में बांटने का जो काम है, इसे कहते हैं समंकों को या डेटा को वर्गीकृत करना। तो प्राप्त सूचनाओं को अलग अलग भागों में बांटना या वर्गीकृत करना आपके वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन कहलाता है। ये जो वर्गीकरण है इसके कुछ उद्देश्य होते हैं, जैसे इजी एंड कंसाइज। जो भी वर्गीकरण होगा वो आसान होना चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति इसे समझ सके। होमोजेनिटी, समानता का ध्यान रखें, कि जैसे आपने अपने शैम्पू की फैक्ट्री आप खोलना चाहते हैं बांदीकुई में, तो आप शैम्पू का डेटा इकट्ठा करेंगे। अब आप क्लासिफिकेशन करेंगे कि आप पॉपुलेशन कितनी है, मेल की पॉपुलेशन कितनी है, फीमेल की पॉपुलेशन कितनी है, एजुकेशन का लेवल कितना है, या
रूरल एरिया कितना है। तो ये जो अलग अलग इन सूचनाओं को जो आप बांटेंगे उसे कहते हैं वर्गीकरण। और ये जो वर्गीकरण होगा ये होमोजेनिटी होना चाहिए, सजातीय होना चाहिए, हेल्प्स टू कंपेयर, तुलनीय होना चाहिए। मेल फीमेल को आप कंपेयर करके देख सकते हैं, एजुकेशन को फीमेल को कंपेयर करके देख सकते हैं, क्योंकि अगर फीमेल की पॉपुलेशन अगर ज्यादा है और फीमेल में अगर एजुकेशन लेवल भी अच्छा है तो महिलाएं शैम्पू यूज करेंगी, उनके बाल लंबे होते हैं इसलिए क्वांटिटी में ज्यादा काम आएगा। तो ये कई चीजें हैं जो मार्केट स्ट्रेटेजी के आधार पर तय होती है। म्यूचुअल रिलेटेड, आपस में परस्पर रिलेटेड होने चाहिए, साइंटिफिक अरेंजमेंट होना चाहिए, जैसे बांध क्यों में जो पॉपुलेशन है उसमें फीमेल की संख्या कितनी है, शिक्षित कितनी है, और मेल और फीमेल में यंग पॉपुलेशन ज्यादा है या ओल्डेस्ट पॉपुलेशन ज्यादा है, क्योंकि यंग पॉपुलेशन होगी तो वो इसमें जाती है, शैम्पू में जाएगी वो। दूसरा, वहां के पानी का लेवल कैसा है, क्योंकि अगर मान लो उस क्षेत्र में, अगर मान लीजिए बांध का क्षेत्र ऐसा है जहां पानी फ्लोराइड है, बाल रुकते नहीं आपके, झड़ जाते हैं, तो ऐसी कई चीजें हैं। बेस फॉर टेबुलेशन मतलब ये है कि ये भी जो वर्गीकृत सूचनाएं होती हैं, इन वर्गीकृत सूचनाओं को आप अलग अलग भागों में आप बांटते हैं। ये जो अलग अलग भागों में सूचनाओं को जो बांटना होता है इसे कहते हैं सारणियन। एसेंशियल्स फॉर एन आइडियल क्लासिफिकेशन, एक आदर्श वर्गीकरण के लिए क्या क्या मुख्य है। एग्जीक्यूटिव, वेल डिफाइंड, स्टेबिलिटी, होमोजेनिटी, सुटेबिलिटी, अर्थमेटिकली एक्यूरेसी, फ्लेक्सिबिलिटी। एक अच्छे वर्गीकरण भी जरूरी है कि जो भी सूचनाएं या डेटा इकट्ठा करें वो सही तरीके से एग्जीक्यूट होना चाहिए, समझने योग्य होना चाहिए, उस डेटा में स्थिरता होनी चाहिए ताकि आप उसके आधार पर लेके निर्णय को आप समझ सके, लागू कर सके। सजातीय वर्गीकरण होना चाहिए, समझने योग्य होना चाहिए, जो भी सूचना इकट्ठी करेंगे वो गणितीय रूप में व्यक्त हो सके और लोग उससे समझ सके। लोगों का मतलब ये है कि भाई आप जो सूचना इकट्ठी कर रहे हैं वह व्यक्ति और उससे जुड़े हुए अन्य व्यक्ति उस बात को समझ सके। अगला आता है मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की विधियां। पहला आता है ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। आप जैसे रेलवे को देखते हैं कि भाई सेंट्रल रेलवे होता है, उत्तरी रेलवे होता है, पश्चिमी रेलवे होता है, उत्तरी पश्चिमी रेलवे होता है, उत्तरी पश्चिमी रेलवे होता है, तो ऐसे क्या होता है, अलग अलग एरिया डिवाइडेड होते हैं। तो जब आप सूचनाओं को अलग अलग ज्योग्राफिकल बेस पे बांटते हैं तो उसे आप कहते हैं ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। अब रेलवे के जो जोन्स बने हुए हैं वो ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन है, ताकि उनकी जो कंट्रोलिंग है वो प्रॉपर रहती है और जो भी सूचनाएं हैं वो आसानी से वो इकट्ठी कर सकते हैं, जिसे आप कहते हैं डेटा। अगला था क्रोनोलॉजिकल और से टाइम क्लासिफिकेशन, समय अनुसार वर्गीकरण। समय अनुसार वर्गीकरण के अंतर्गत आप जो भी सूचनाएं होती हैं उसे समय के अनुसार बांटते हैं। यहाँ समय का मतलब है कि जो सूचनाएं हैं उसे समय के अनुसार बांटे आप। जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि भाई भारत की पॉपुलेशन कितनी है, तो आप ये लिखेंगे कि भाई 1970 में कितनी थी, 1980 में कितनी थी, 1990 में कितनी थी, वर्ष 2000 में कितनी थी, 2010 में कितनी थी, 2020 में कितनी थी। तो ये जो अलग अलग हिस्से हैं इसे कहा जाता है, जो अलग अलग हिस्से हैं वो भी किसके साथ में, टाइम के साथ।
तो जब आप डेटा को समय के अनुसार आप अरेंज करेंगे तो उसे कहा जाता है टाइम क्लासिफिकेशन। एक होता है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, जस्ट जैसे पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन में मेल फीमेल कितनी है, पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन में मेल फीमेल कितनी है, शिक्षित अशिक्षित कितनी है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है इसे हम कहते हैं क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। अगला था क्वांटिटिव। जैसे मैंने कहा कि भाई 0 से लेकर 10 साल तक पेप्सी पीने वाले कितने लोग हैं। मान लीजिए पेप्सी का सर्वे हुआ, पेप्सी ने कहा कि भाई 0 से 10 साल तक पेप्सी पीने वाले कितने लोग हैं, 11 से 20 तक पेप्सी पीने वाले कितने लोग हैं, 20 से 21 से और 30 साल के बीच पेप्सी पीने वाले कितने लोग हैं। तो जब सूचनाएं किसी ग्रुप में इकट्ठी की जाए तो उसे कहते हैं क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। धन्यवाद।